लखनऊ में अदालत की कार्यवाही में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंचा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार वापस अपने गांव पहुंचा। अनुभवी तेज गेंदबाज ईशान शर्मा पसलियों में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मौजूदा सत्र से बाहर हो गए। उनकी टीम दिल्ली कैपिटल ने सोमवार को ये जानकारी दी। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। यहां पर झगड़े की शुरुआत बच्चों की लड़ाई से हुई थी, लेकिन इतना बढ़ा कि एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष की महिला को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। ये घटना रविवार की शाम की है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के 15 साल के शासन और परिवारवाद को लेकर तंज कसे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई हर पहलुओं से जांच कर रही है। सीबीआई के अलावा एनसीबी भी कई बॉलीवुड सितारों से पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में सीबीआई ने उस महिला से भी पूछताछ की जिसने दावा किया था कि उसने सुशांत की मौत से एक दिन पहले यानी कि 13 जून को सुशांत और रिया को साथ देखा था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए गठबंधन से अलग हुई एलजेपी, जहां बीजेपी से मित्रता का राह अलाप रही है, तो वहीं आज रोसड़ा विधानसभा से बीजेपी के खिलाफ अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी। चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज को एलजेपी ने टिकट दे दिया। नवरात्रि के मौके पर माँ वैष्णो देवी की दर्शन की योजना बना रहे भक्तों के लिए खुशखबरी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोजाना संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी। पहले ये सीमा 5,000 थी। श्राइन बोर्ड का यह फैसला 15 अक्टूबर से लागू होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक हो चुकी है। पंजाबी बाग वजीरगंज शाहदरा में AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया। श्रीनगर के पूर्वी लद्दाख में 11 घंटे तक चली भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बैठक। बैठक में शांत माहौल को बरकरार करने पर चर्चा की गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से लद्दाख में तनाव जारी है और कोशिश यही है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कोरोना टेस्ट अब निगेटिव आया है। साथ ही उन्होंने ठीक होते ही फ्लोरिडा में रैली संबोधित किया। बीते कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप बीमार चल रहे थे और आने वाले समय में चुनाव भी है, तो इसीलिए ट्रंप कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहते। और अधिक खबरों के लिए DNB चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर एक खबरों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।